जैसे दिवाली पर घरों में अच्छे से सफाई की जाती है, घर का कचरा बाहर फेंक दिया जाता है, वैसे ही इस बार 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में अच्छे से कांग्रेस पार्टी की सफाई करो और ऐसे सफाई करो कि वो अगले 5 साल तक राजस्थान के किसी कोने में दिखाई ना दे। हर गांव, हर शहर से इस हाथ को उखाड़ कर फेंक दो ताकि ये गलत हाथ लोगों का गलत इस्तेमाल नहीं करे। ये बयान किसी और का नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजसमंद के देवगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये गुजर समाज का बेटा राजनीति में लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए दिन रात एक करता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, अपनी पूरी जी जान लगा देता है, लेकिन जब कड़ा संघर्ष करने के बाद उसे अपनी मेहनत से सत्ता की कुर्सी पर राज करने को मिलता है, तब शाही परिवार की शह से उसे ऐसे बाहर निकाल दिया जाता है जैसे मक्खी को दूध से बाहर निकाल जाता है। कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी झूठ बोल रही है, क्योंकि कांग्रेस को सिवाय झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। कांग्रेस ने इस बार भी झूठ बोला कि शाही परिवार ने राजेश पायलट की इंसल्ट नहीं की। मोदी की तरफ से आरोप लगाने के बाद गहलोत भी चुप नहीं बैठे और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पीएम मोदी को बड़े ही फिल्मी तरीके से जवाब दिया। गहलोत ने कहा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गहलोत पर निशाना साधा, वैसे ही गहलोत ने आखिरी दिन एक सभा से लौटते हुए मोदी को मोदी की भाषा में मोदी के तरीके से ही जवाब दिया और कहा कि मोदी एक बहुत ही बेहतर अभिनेता है। वक्त वक्त पर जैसे गिरगिट अपने रंग बदलता है, वैसे ही मोदी भी चुनाव के हिसाब से चुनावी प्रचार में अपने छिपाए हुए रंग दिखाते हैं। जैसे एक समय था जब मैं गुजरात का प्रभारी था और राजस्थान घूम रहा था, तब मोदी ने मेरे लिए कहा था कि सुनो शहर वालों, अपने शहर में एक राजस्थानी घूम रहा है, इस मारवाड़ी की बात मत मानो, अपने गुजराती की बात मानो। अब इस गुजराती और मारवाड़ी से इतना तो आप समझ भी गए होंगे कि मारवाड़ी कौन और गुजराती कौन। चलिए अगर आप नहीं भी समझे तो मैं आपको बता देती हूँ। मारवाड़ी मतलब राजस्थान का राजस्थानी गहलोत और गुजराती मतलब गुजरात का बेटा मोदी। ये तो हुई गुजरात और मारवाड़ी की बातें। अब वापस गहलोत के भाषण पर लौट आते हैं। गहलोत ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरे के दौरान पीएम मोदी भी तो राजस्थान आए, मैंने तो नहीं कहा कि हमारे राजस्थान में गुजराती घूम रहा है। आगे गहलोत ने कहा, मोदी क्या कोई भविष्यवक्ता है, या उनको सपने आते हैं, या फिर भगवान उनके कान में आकर कहते हैं कि गहलोत चौथी बार सीएम नहीं बनेंगे। उनको लगता है भगवान सिर्फ उनके ही साथ है, लेकिन भगवान सबके साथ है और मेरे साथ भी है, तो फिर खुद पीएम बनने के सपने कैसे देख रहे हैं, खुद कैसे सभा में कहते हैं कि अगली बार अगर कोई सरकार आएगी तो सिर्फ भाजपा की सरकार आएगी, पर कहते हैं ना खुद की बिल्ली खुद को म्याऊ। आगे गहलोत ने कहा, मोदी ने अब प्रचार के लिए जाति का सहारा लिया है, सिर्फ और सिर्फ गुर्जर समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये सारी बातें अशोक गहलोत ने भी विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कही। जैसे मोदी ने आखिरी दिन आखिरी कमान से गहलोत पर निशाना लगाया, वैसे ही ठीक गहलोत ने भी आखिरी दिन प्रचार की आखिरी शाम को आखिरी कमान से पीएम मोदी को करारा जवाब दिया। लेकिन अब देखने लायक ये होगा कि किस पार्टी की बहार आती है और किस पार्टी की कुर्सी पे दरार आती है। इन आरोप प्रत्यारोप का इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी पर असर पड़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द नगरी न्यूज़।